हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में एक नई टाइप की डीआई डिस्कस करेंगे और सेशन प्रिपेयर किया है आपके अपकमिंग एसबीआईपीओ की एग्जाम को लेके। लेकिन जो बच्चे और भी किसी इंश्योरेंस या बैंकिंग सेक्टर की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आईबीपीएस की कर रहे हो, आरआरबी की कर रहे हो, एलआईसी डब्ल्यूओ की कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए भी ये सेशन इक्वली हेल्पफुल रहेगा। एक रिक्वेस्ट फिर मैं आपसे करूंगा, जो बच्चे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए वो प्लीज सब्सक्राइब कर। देखिए क्या दिया है, एक बार ग्राफ है। फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फॉर 6 पर्सन, 6 व्यक्ति है, 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ, और उनसे रिलेटेड परसेंटेज दे दी। जैसे ए का क्या दे दिया, ए की ए है 20%, बी की है 10%, सी की 25, डी की 30, इस तरीके से दे दी। दी परसेंटेज रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज इन डिफरेंट क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ये परसेंटेज अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। रीड दी डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पे, तो सबसे पहले अपने ये देख लीजिए कि ए बी सी डी ई एफ की जो परसेंटेज है उसको नोट कर लीजिए। अब चलो पहला क्वेश्चन क्या है, द परसेंट रिप्रेजेंट देयर परसेंटेज प्रॉफिट। तो ये जो परसेंटेज अब दी गई है ये इन लोगों का ए बी सी डी ई एफ का परसेंटेज प्रॉफिट है किसी भी आइटम को सेल करने में। परसेंट रिप्रेजेंट देयर परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाई सेलिंग समथिंग। ठीक है, ए बोट आइटम एक्स। ए जो है, ए की परसेंटेज थी आपकी 20%, तो प्रॉफिट ए का कितना हो गया, 20% प्रॉफिट 20% हो गया, राइट। कोई इसने एक आइटम खरीदा है एक्स, और एक्स का क्या किया, मार्केट एट ₹160, मार्क प्राइस इसकी लगा दी 160, और डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट कितना है, 25%, डिस्काउंट है 25%, तो सेल प्राइस एंड सोल्ड इट, सेल प्राइस कितनी आ गई भाई, मार्क प्राइस माइनस उसका डिस्काउंट, तो 25% का मतलब 25/100 या 1/4 जा डायरेक्ट कर लो, किस पे होता है हमेशा, मार्क प्राइस पे, किसका, 25% ऑफ 160 का। तो ये अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो 40 आ गया, तो 120 आ गई इसकी सेल प्राइस। अब अल्टीमेटली आपसे पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम वाई एंड एक्स, तो एक्स की कॉस्ट प्राइस आपको चाहिएगी। अब आपको पता है कि परसेंटेज प्रॉफिट 20% है, तो जो सेल प्राइस है 120 ये क्या होगी भाई, अगर कॉस्ट प्राइस मान लो 100% थी तो सेल प्राइस कितनी होगी, 20% का प्रॉफिट इन्वॉल्व है, तो 120, 100% प्लस प्रॉफिट 120%, और 120% की वैल्यू आपको दे दी ₹120, तो 1% की वैल्यू आ गई ₹1, तो 100% जो कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है तो ये आ गई ₹100। तो इसकी एक्स की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, एक्स की तो आ गई ₹100। अब दूसरा इसने क्या दिया है सेकेंड वाई के लिए, सिमिलरली सी बोट आइटम। सी ने, सी का अगर आप परसेंटेज देखें तो सी का है 25%, तो सी का प्रॉफिट तो आ गया 25%, और क्या दिया, सी बोट आइटम वाई, इसने वाई आइटम लिया, मार्केट एट ₹180, मार्क प्राइस इस पे अंकित कर दी 180, एंड सोल्ड इट बाई प्रोवाइडिंग 20% डिस्काउंट, और डिस्काउंट आपको दे दिया उसने 20%, तो 20% का मतलब 1/5, तो सेल प्राइस क्या आ गई यहां पे, 180 माइनस डिस्काउंट 20% ऑफ 180, तो 20 1/5 गुणा 180, तो ये आ गया आपका 30 पंजो 150, आई थिंक 36 हो गया क्या, 150 + 30 करूं अगर मैं इसको, तो 150 + 180 को आप मनी मन अगर 150 + 30 मानते हो और इन दोनों को फिर 5 से डिवाइड करते हो तो आपको पता है ये तो 30 आएगा और ये 6 आएगा, 30 और 6 36, तो 180 - 36 तो 144, ये 144 आ गया। इसकी अगर कॉस्ट प्राइस आप देखेंगे तो ये क्या है, प्रॉफिट 25% है, तो सेल कॉस्ट प्राइस अगर मैं 100% मानता हूं तो सेल प्राइस इसकी होगी 125%, और 125% की वैल्यू आपकी आ गई 144, तो 100% की वैल्यू कितने आ गए, वही तो कॉस्ट प्राइस है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 × 144 / 125, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 × 2 = 10, और 28 पंजे 140, और 4/5.8 हो आ गया था। तो 28 को अगर 28.8 से मैं करूंगा तो 28 का डबल 56 का डबल 112, 112 + 3.2 115.2,
तो ये कितनी आ गई कॉस्ट प्राइस, वाई की आ गई 115.2। इन दोनों का डिफरेंस आपको चाहिए था 115.2 और 115.2, 15.2, यही आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन दिया है और ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बना दिया। अब इसमें इसमें क्या दे दिया आपको, द परसेंटेज रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट रेट अर्न बाय देम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। भाई ए बी सी डी ई एफ ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है जो गिवन परसेंटेज थी, जैसे ए का 20% था, बी का 10 था, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई, राइट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल गई। अब इफ ऑल ऑफ देम इन्वेस्ट ₹10,000 ईच, और सभी ए बी सी डी ई एफ प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल आपका आ गया, प्रिंसिपल आ गया इसमें 10,000, प्रिंसिपल आ गया 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको इसमें दे दी गई है, प्रिंसिपल 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो परसेंटेज वहां दी हुई है ईच। अब क्वेश्चन क्या है, इफ ऑल ऑफ देम इन्वेस्ट ₹10,000 ईच, ई एंड एफ अर्न एस आई फॉर सम डिस्टिंक्ट टाइम पीरियड, मतलब इसमें ई ने कितने टाइम के लिए और एफ ने कितने टाइम के लिए वो नहीं दिया है। तो मैं ये मान लू कि ई का जो टाइम पीरियड है, ई का टाइम पीरियड कितना हो गया T1 मान लो, और एफ का अगर मैं टाइम पीरियड T2 मान लेता हूं, तो ये T1 T2 टाइम के लिए ₹10,000 दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ई की कितनी है, ई की अगर आप देखेंगे रेट ऑफ, ये 35% है, ये 15% है, यहां जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 35% है और यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, लेकिन टाइम पीरियड जो है वो नहीं दिए, फॉर सम डिस्टिंक्ट टाइम पीरियड ए एंड बी, और ए और बी के लिए व्हाइल ए एंड बी, ये तो सिंपल इंटरेस्ट इनका ये दे दिया कि भाई सिंपल इंटरेस्ट है बट टाइम पीरियड नहीं है। दूसरा, ए एंड बी के लिए आपको क्या दिया है, ए एंड बी के लिए दे दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट है और 2 साल है, तो ए और बी के लिए आपके पास प्रिंसिपल भी है 10,000, 10,000 कितना हो गया, ए के लिए 10,000 और बी के लिए भी 10,000, 10-10,000 ये भी आ गए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर आप देखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए 20% है और बी के लिए, ए और बी है ना, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बी है ये 10% है, टाइम पीरियड भी 2 साल है, टाइम पीरियड भी 2 साल है, तो यहां से तो पूरा निकल जाएगा आपका अमाउंट, पूरी निकल जाएगी। फोटो, व्हाट इज द सम ऑफ टाइम पीरियड फॉर विच ई एंड एफ इन्वेस्टेड, और आपसे पूछा क्या है T1 + T2 ये क्या है, ये निकालना है। अब आपको स्टेटमेंट दे दिए दो इसने, फर्स्ट और सेकंड, और नीचे ऑप्शंस पे आपको दे दिए कि भाई इसमें फर्स्ट अलोन सफिशिएंट है, सेकंड अलोन सफिशिएंट है, या इनमें से कोई से भी दोनों मिलके सफिशिएंट है या दोनों मिलके भी सफिशिएंट नहीं, जो आपके डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बनते हैं वही चार इसके अंदर 5 ऑप्शन दिए हुए। अब इसमें T1 + T2 निकालना है। अब इसमें क्या दिया है फर्स्ट स्टेटमेंट में, अब यहां से क्वेश्चन से आपके पास है द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अमाउंट अर्न बाय ई एंड एफ, यहां से सम आ जाएगी, ए एंड बी की सम तो आपकी आ जाएगी क्योंकि टाइम पीरियड भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है, तो सम आ गई यहां से। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अमाउंट अर्न बाय ई एंड एफ एंड द सम ऑफ अमाउंट अर्न बाय ए एंड बी इज ₹10,000, इन दोनों का डिफरेंस दे दिया, मतलब ये जो इसकी जो ए और बी की जो सम है और इसकी सम का डिफरेंस। लेकिन यहां जैसे आप सम निकालोगे तो सम आपकी नहीं निकलेगी क्योंकि T1 और T2 दो वेरिएबल रहेंगे, मतलब इस पूरे एक इक्वेशन आपके बन के आएगी और उसमें वेरिएबल कौन से रहेंगे, T1 एंड T2, राइट। अब तो इससे टाइम पीरियड तो दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से तो ये नहीं निकल पा रहा। साथ ही एक कंडीशन दी है इसने कि टाइम पीरियड कुड बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन तो सफिशिएंट नहीं है, सेकंड के सेकंड पे आप चलेंगे तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ई एंड एफ इज 25, मतलब ये दे दिया आपको कि T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर है वो 25 है, राइट। अब इसमें अगर आप देखें T1 स्क्वायर, अगर ये फ्रैक्शनल, ये कंडीशन नहीं होती, ये दे देता कि टाइम पीरियड कुड नॉट बी फ्रैक्शनल, मतलब वो फ्रैक्शनल नहीं है, तो आपको इससे आराम से पता चलता कि T1 3 और T2 4 या T1 4 और T2 3, इन्हीं कंडीशंस में फ्रैक्शनल नहीं आता वो, भाई 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16, 25, किसी को भी 3, और दोनों ही केसेस में T1 + T2 साथ ही होना था, तो T1 + T2 यहां से
फाइंड हो जाता, लेकिन इसमें चूंकि इसमें कह दिया कि टाइम पीरियड फ्रैक्शनल भी हो सकता है, तो आप ये फंडा इसमें नहीं लग सकता। तो इस अकेले सेकंड से भी ये भाई टी वन और टी टू दो वेरिएबल है और इक्वेशन तो आपकी एक ही है, नहीं निकला। लेकिन आप देखेंगे कि यहां से भी टी वन टी टू की फॉर्म में आपका इक्वेशन बन गई और एक टी वन टी टू की फॉर्म में इक्वेशन सेकंड में गिवन है। तो जैसे ही दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और आपका सोल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड रिक्वायर्ड, मतलब दोनों की रिक्वायरमेंट इसके अंदर आपको रहेगी। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, द परसेंटेज रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज रिप्रेजेंट्स द कंसेंट्रेशन ऑफ स्प्रिट इन स्प्रिट वाटर सॉल्यूशन। जो परसेंटेज दी हुई है, जैसे ए है 20%, तो 20% ए क्या हुआ, 20% उसमें स्प्रिट है और बचा हुआ पानी है, तो ऑब्वियस है 80% उसमें पानी है। तो अब इसको देखिए, ये मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन बना दिया। तो विधि से होते बी मिक्सड, जैसे ये बी ले लिया मैंने, बी है ये, बी में क्या था, बी में 10% आपका दिया हुआ है, तो 10% स्प्रिट है, तो 10% स्प्रिट है, स्प्रिट और वाटर, तो ये अगर 10% है तो ये कितनी होगी, 90%, राइट। अब उस ये बी मिक्स, ये 1 लीटर ले लिया मान लो, फिर लिया है इस मिक्सर विद एक्स लीटर ऑफ डीज मिक्सर, डी के मिक्सर में 30% है, दूसरा है ये डी हो गया और ये एक्स लीटर है, मान लो डी में है 30%, तो स्प्रिट और वाटर कितना हो जाएगा, ये 30% है तो ये हो जाएगा आपका 70%, राइट। बी और एक्स लीटर ऑफ डीज मिक्सर टू गेट ए सॉल्यूशन ऑफ 25% कंसे, इसमें से डी में से एक्स लीटर इसमें डाल दिया, राइट, और जो मिश्रण बना वो कैसा बना, उसमें 25% सॉल्यूशन वो करा है, तो अगर मैं इसमें दे, उसमें स्प्रिट कितनी होगी 25%, तो अगर मिक्सर एंड एलिगेशन लगाऊं, यहां 10%, यहां 30%, और जो मिश्रण बना उसमें लग गया 25%, तो 30 में से 25 5% और 25 में से 10 15%, तो यहां देखो 5% की जो वैल्यू है वो है 1 लीटर, तो 15% की वैल्यू एक्स है, तो एक्स कितना हो जाएगा 3 गुणा, तो यहां से एक्स निकल गया 3 लीटर, राइट। सेम आप यही चीज सेकंड और थर्ड के साथ भी रिपीट करें, तो सेकंड में क्या लिया देखो, सिमिलरली 2 लीटर ऑफ ए, ए में 20% है, मतलब ये 2 लीटर ले लिया और ए है तो इसमें 20%, तो 20% और 80% इसके अंदर पानी हो गया। और सिमिलर 2 लीटर ए सॉल्यूशन वाज मिक्स विद वाई लीटर ऑफ ई, ई जो है ई में आपके 35% है, तो 35% तो आपके आ गया स्प्रिट और 65% आ गया आपके वाटर, ये आ गया आपका ई, ई में से वाई लीटर ले लिया, सिमिलर 2 लीटर ये 2 लीटर है, वाई लीटर ऑफ ई सॉल्यूशन और 25% स्प्रिट, ये भी 25 बन गया, तो ये 20 था, ये 35 था और ये बन गया 25, तो इसमें भी वही एलिगेशन रूल लगाओ, 35 में से 25 गए 10 और 25 में से 20 गए 5, तो 10% की वैल्यू अगर 2 लीटर है तो 5% की आधी हो जाएगी, तो वाई की वैल्यू होगी 1 लीटर। उसी तरीके से आप इसमें जैसे ही थर्ड में लगाएंगे तो ये आ जाएगी आपकी थर्ड, ये जो इसके लिए तीसरी जो इक्वेशन है उसके लिए, तो वहां जेड की वैल्यू आपकी 6 लीटर आ जाएगी। और आपसे पूछा क्या है, z - x - y = what, तो ये 6 माइनस ये हो गया आपका 3 - 1, तो ये 2 लीटर आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये था, ये कुछ नई टाइप के क्वेश्चन थे, हालांकि अंदर जाने के बाद में क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि कोई बहुत टफ हो, बट एकदम से देखते ही आपके मन में कहीं कुछ दुविधा नहीं हो, हर टाइप के क्वेश्चन किए हुए होने चाहिए, कि अगर इस टाइप का भी कोई DI बना के और वो आपको क्वेश्चन देता तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, अंदर ऐसा कोई कुछ नहीं होता है। हाँ ऑब्वियस है, लंबे क्वेश्चन है थोड़े, वो मेंस लेवल के, मतलब ये प्री लेवल के क्वेश्चन नहीं, मेंस लेवल के क्वेश्चन है, बट अलग टाइप के क्वेश्चन नजर आए, इसलिए आपसे शेयर किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव ए नाइस डे।